खड़े हो यहाँ पे हमारा फोटो नहीं कर पाऊंगी, सीढ़ी नहीं कर पाएंगे, इधर जाना पड़ेगा। व्यूअर्स हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक टू आवर चैनल शमाम अंजुम ब्लॉग। बज रहे हैं 11:30, घर का सारा काम निपटा के और आज हम जा रहे हैं अपने को दिखाने सैफई मेडिकल। मेरी बहुत घुटनों में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द पेन रहता है, तो मैंने कहा चलो आज इनसे बहुत कहा चलो दिखा के आए हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो एक दो बार राउंड लगाना पड़ेगा, तो चले जाएंगे दिखाने तो पता चले। हम अपनी तकलीफ कभी बताते नहीं है, किसी रास्ते रहते हैं, लेकिन पेन बहुत है घुटनों में बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं आज एक इंसान वहाँ जाके कितना टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाने में परेशानी होती है। देखें आज वहाँ पे एक नॉर्मल आदमी जाता है तो किस तरह से कितना वक्त लग जाता है दिखाने में। और जनाब जा रहे हैं साथ में, देखें कुछ फरमाएंगे, गुस्से में है, देखो मैं लेके जा रही हूँ। रोते हुए रोती हुई आओगी क्यों भाई, किसी को दिखाने में रोते हुए आएंगे? रोते नहीं, कुछ काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सोच बना रखी लोगों ने। चलो टूटे पैसे ले लेना वहाँ पे, क्योंकि मुझे पर्चा वर्चा बनाना पड़ता है। अब मेडिकल कॉलेज हमारे इतना पास है और हम दिखाएं भाग भाग के कानपुर जाके दिखाएं तो दिक्कत हो जाती है, तो आज हम यही ट्राई करते हैं, देखते हैं वहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से वहाँ पे एक आम लोगों को देखा जाता है। लोग तो जाते हैं वहाँ, फायदा भी होता है बहुत ज्यादा। ऑपरेशन सही होते हैं? ऑपरेशन सही होते हैं नहीं, हड्डियों वाला सही है, घुटनों वाला दिखाना है। उधर फैस देख रहे हैं, एक सुबह ही सुबह पार्सल आ गया, कैफ ने यहाँ भेज दिया, शूज आ गए इनके दिखाए हम, कैफ ने मंगा लिए। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से है। कैफ भाई वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर देते रहते हैं, और फैस भाई अभी अभी उठ रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल लो। आफ्टरनून नहीं है, देखो अभी 11:30 हो रहा है। अच्छा जोर से बोल दो, और तुम नाश्ता वास्ता खा कर लेना, और खाना वाना पूरा तैयार है, देखो पूरा सब कुछ होके ओके। और हम जाते जाते जल्दी से सोच रहे हैं ये मेलन है जो, खरबूजा खा लें थोड़ा सा, वैसे तो नाश्ता हम कर ही चुके हैं, थोड़ा सा पेट पूजा कर लें बोतल, क्योंकि गर्मी बहुत है। और एक ये ले लिया है धूप का चश्मा, अब ये मेरे पास ये पहले का ही पड़ा हुआ था, एक चश्मा तो वहाँ पे टहरी डैम में खोया है, वहाँ पे गिर गया, अभी ये वाला फैस कर रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे, थोड़ा सा धूप बहुत तेज है, लगा के क्यों लग रहा है इसका सोल दिखाता है, ऊपर उठा के देखो सोल कितना गजब है, 80,000 का है, 80,000 का है, तेरा घोर जाएगा इसमें तो। चलो लगा भाई, इनका गेट बहुत टाइट होता है। बताओ कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा अच्छा। अरे सही लग रहा, काम तो चलेगा, धूप से कुछ तो बचा होगा, तो फिर तुम आज नहीं ठीक है अच्छा। ओए होए गाड़ी तो बहुत गंदी हो रही है, अल्लाह हाफिज़ यार गाड़ी तो बहुत गंदी हो रही है, फूल ऊपर से इसमें गिर गए, हमने इनसे कहा चलो तुम झाड़ू लगा, लगाते नहीं, पहुंचते हुए धूप बहुत तेज है, अब इधर साइड से खड़ी करी तो सारी पत्तियां फूल उसमें गिर गए। गाइस गाड़ी में बैठ के हम दोबारा निकला, इतनी हीटेड हो रही थी गाड़ी कि बस सिक गए हम इतनी देर में, थोड़ा में अरे बाप रे, चलो अब गर्म ही हो जाएंगे, सिकाई हो जाएगी, वैसे पेन वेन हो रहा है, जब भी गाड़ी में बैठे थोड़ा खोल लें इसकी, थोड़ा सा हीट निकल जाए, नहीं तो बहुत नुकसान कर देगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हॉस्टल है ये, डॉक्टर वगैरह
ये वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, है ना, पार्किंग थोड़ी छाया भी लगा ना, पता चले हम लोग लौट के आए तो। उधर साइड कहीं देख लो, इधर लगा लो कहीं हल्की सी, नहीं इसी के जो इससे बाइक के दो थोड़ा हटा ले तो यहाँ पे लग जाएगी। बाहर चलो देखते हैं, सबकी खड़ी तो हमारी भी जलेगी, हम फिर ठंडा करेंगे। जैसे घर पे खड़ी थी, ज्यादा दूर मत करो, फिर चलते हैं। वाहन पार्किंग नहीं लगा दो इधर ही, मिनट हो गया। चलो अब देखते हैं, चलिए उतरे, उतर ले ले हाथ में। धूप यार बहुत कड़ाके की धूप है। बोतल ले ली हमने भैया इनसे, हमने पूछा क्योंकि जानकारी नहीं है ना कहाँ पे होती है, तो उन्होंने बताया इस गेट से चले जाओ और वहां पर ही होगा। देखो कितना घूम के आ जाएंगे, पूछ ले रहे हैं पीढ़ी में चले जाओ, वहीं कटते हैं। इधर तो काफी अंधेरा हो रहा है, देंगे भैया ओपीडी में कटता है। हमने यहाँ पे पूछताछ केंद्र में, हमने यहाँ पे पूछ के उन्होंने हमें हेल्प कर दी यहाँ पे, क्योंकि इधर बंद हो चुका था पर्चा कटना सैटरडे में, उन्होंने कहा इमरजेंसी में पर्चा कटा लो और फिर अपना दिखा दो। देखो सारे गाइस हम लोग जा रहे हैं इमरजेंसी में पर्चा कटवाने जो बताया गया, इमरजेंसी कहाँ पता नहीं, यहाँ पे बस पूछ के आप लोग करवा सकते हैं, काफी बड़ा है। अब नहीं तो वापस होना पड़ता क्योंकि वहाँ पे अरे ट्रामा आपातकालीन विभाग, यहाँ पे जाके देखते हैं भाई बन रहा है तो। ये रजिस्ट्रेशन आपातकालीन पंजीकरण यहाँ पे शायद बन जाएगा, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एसी वगैरह है तो खुलने यहाँ पे पर्चा बन गया है, हमने यहाँ पे चढ़वा लिया एंट्री। अब देखो अंदर जाके वहाँ से रेफर करेंगे क्या है। आ गए हैं यहाँ पे, अभी डॉक्टर उठ गए हैं, देखते हैं फिर आगे कहाँ रेफर करते हैं। ये रहा हमारा पर्चा, यहाँ पे शायद चढ़ा के वो बताएंगे क्या करना है, इमरजेंसी में कहाँ रेफर करते हैं। ऑर्थोपेडिक ओटीपी यहाँ पे देखते हैं गाइस, एक्सरे के लिए लिख दिया, एक्सरे कराने जा रहे हैं बिलिंग के लिए। अब देखते हैं एक्सरे होके क्या होता है। चलो बिलिंग काउंटर, यहाँ पे बिलिंग होगी पहले एक्सरे की, उसके बाद में एक्सरे होगा। दवा वाले रूम बिल्कुल बंद है क्योंकि बज चुका है, क्या बज रहा है, दो बता रहे हैं। अब क्या करें, हम दवाई भी मिली हमें, समय हो गया तो वही तो कर रहे हैं। मैंने दिखा लिया है एक्सरे हो गया है, भाई धूप बहुत तेज है और अब हम चल दिए अपनी गाड़ी की ओर। दिखा तो लिया, एक्सरे भी हो गया, उसका पेमेंट हुआ था लेकिन दवा नहीं मिली क्योंकि वो बंद हो गया था। आज सैटरडे है, हाफ रहता है इसलिए वो बंद हो चुका था। दवा ववा नहीं मिली, अब बाहर से मैंने मेडिसिन खरीदना पड़ेगी। और ये रहा देखो आयुर्विज्ञान का, ये रहा मेरा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, दिखा तो दिया है लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हाँ आर्थराइटिस निकला है, शुरुआत है तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सीढ़ी मत चढ़ो ज्यादा, ये मत करो। देखो सारे मरीज लोग इधर, मरीज के जो होते हैं घर वाले ये सब इस तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पर। पेड़ों की छाया बहुत अच्छी है। चलो चलते हैं हम, बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी है, खड़े हैं यहाँ पे हमारा फोटो भी नहीं चल पाएंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, इधर जाना पड़ेगा। नहीं उधर निकल गया, ये तो वीडियो पे लगा। देखिए बिल्डिंग कितनी अच्छी है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा, बढ़िया। धूप भी क्या मस्त है, यहाँ आओ सुबह से नंबर लगा तो आपका पूरा काम हो जाएगा, वरना यहाँ जाओ यहाँ जाओ, इसमें काफी बड़ा है ना।
1:30 बज रहा है और हम लोग चल दिए, निकल लिए घर की ओर और पूरा 1 घंटा लग गया ये सब दिखाने में, क्योंकि आज भीड़ कम थी इसलिए दिखा लिया मैंने। ये डॉक्टर साहब सब मेडिकल कॉलेज है ना, तो छोटे बच्चे बच्चे सब बहुत ज्यादा सब लगे रहते हैं। व्यवस्था मैंने फोन किया था, 1 घंटे में हमने दिखा लिया, कोई दिक्कत हुई बताओ, मजे दवा नहीं मिल पाई ये होगा भाई। दौड़ो भागी तो करना पड़ेगी, अब इतना बड़ा है तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है, मेडिकल कॉलेज है तो इतना तो लाइन लगाना पड़ेगी। हाँ दवा वा नहीं मिल पाई भाई, उठ गए वो लोग जल्दी, सैटरडे था इसलिए हम बाहर से खरीदो, उन्होंने तो बोल दिया था बाहर से खरीदना पड़ेगी, देखे 15 दिन की दवा दी फिर उन्होंने बुलाया। चलो अब चलते हैं घर, जो कुछ दिखा पाए दिखाया, ये मेडिकल कॉलेज है, देखिए आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई। बहुत पेन था मेरी बॉडी में, लेकिन फिर भी हम देखो घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग ला रहे हैं। मुझे ट्रेकिंग करी थी वो चीज दिक्कत हो गई, डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके उसपे लोड पड़ गया स्टार्ट हो गया यार, तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और ये हर टाइम हंसते रहते हैं, इतने पेन में भी हम हंसते हैं सोचो। और जनाब कह रहे थे कि बस ऐसे ही कुछ होगा नहीं, दिखाया हम क्या कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा पता चलेगा, रोती हुई आपकी कार हो रहे, हम तो अभी भी हंस रहे, कोई होगा। बहुत से यूट्यूबर हमने देखे हैं जरा सी पेन है दिखाने जा रहे हैं, तो रो रो के दिखा रहे, मुझे ये प्रॉब्लम मुझे वो प्रॉब्लम, सिंपैथी गेन करते हैं हम तो, सिंपैथी विम्पैथी कुछ लेते नहीं है भैया, हम तो हंसते ही रहते हैं, तकलीफ है तो अभी हंस रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, घंटों खड़े होकर हमने आज खाना बनाया है समझे आप, दो दो सब्जी का, और फिर भी हमने यहाँ पर शिकायत करते, निकला कि नहीं निकला बताओ, निकला तारीफ करो हम कह रहे हैं, ख्याल ही नहीं रखती आप, ख्याल रखा करो ले रही है अभी भी हमें घूमना, अभी तो हमें वर्ल्ड टूर करना है, इंशाल्लाह वर्ल्ड टूर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऊपर नीचे नीचे आप सिंपल प्लेन जगह पे चलिए, आप रेलवे स्टेशन कैसे जाएंगे, हमें तो बहुत घूमना है, अभी सही कर लेंगे दवा खाएंगे, लेकिन वो कह रहा है इससे सही नहीं होगा, आप उसको रोक सकते हैं लेकिन मेरे को सही नहीं होगा, कहने को कह देते लेकिन कुछ नहीं हो जाएगा, सही दवा खाएंगे तो उससे जो पेन है वो सही हो जाएगा, ऐसा कौन सा मार्ग है जो सही नहीं होता, देखा फिर पावर। तो मैंने आपको ये ब्लॉग बनाने की कोशिश की, थोड़ी सी डांट भी पड़ गई, वीडियो क्यों बना रही हो ऐसे करके डांट रहे बताओ, हमने कहा तुम लोगों का यही व्यवहार है, ऐसे बात करी जाती है, डिलीट करो, मैंने कहा मैं तो नहीं करने वाली थी, हमने कौन सा गलत बनाया, हम यही तो कह रहे हैं कि डॉक्टर उठ गए हमें दवा नहीं मिली है इतनी जल्दी, अभी तो बिल्कुल टाइम टू टाइम उठ के चल दिए, हम इतनी दूर गए टावा से लेके इतना पेट्रोल पंप के, हमने कहा चलो अच्छा है, हाँ वैसे डॉक्टर वक्टर ने सब अच्छा देखा बढ़िया है, लेकिन दवा नहीं मिली बताओ, हमें ही नहीं मिली, तो गरीब दिन बेचारे आते होंगे तो वो दवा ऐसी उठ जाते होंगे, बेचारे चक्कर लगाते हैं, कभी डॉक्टर उठ गए एक लोग उठ गए, तो अब आप इतनी देर में कर रहे, एक लोग खड़े हुए थे वहां पे एक्सरे नहीं होगा, अब इतना लेट डॉक्टर उठ गए, डॉक्टरों को बहुत जल्दी उठने की पड़ी रहती है, मेडिकल कॉलेज में चाहे गई अपने टाइम से उठ जाते हैं, गरीब बेचारा मरा जा रहा है वहाँ पे लाइने लगाए खड़ा है, प्रॉब्लम है, और उनको उठने की पड़ी हुई है, थोड़ा थोड़े देर बैठ लो थोड़ा देख लो फिर उठ जाने की, वो तो बात है भाई उनका तो रोज का काम है भाई, उन्हें भी खाना खाने जाना है, पता यही है बस, क्या कहेंगे आप बताओ, आप भी कुछ बताओ, आपकी स्कूल की टाइमिंग कितनी है, तो वो बात अलग है, पढ़ाने वाली बात अलग है, यहाँ पे इमरजेंसी में मैंने पर्चा बनवाया था, इमरजेंसी वालों को हमेशा आपको खोल के रखना चाहिए, जरूरत है कहाँ भागेगा इंसान, इतनी गर्मी हो रही है बाहर से खरीद के लाओ, पैसा बाहर क्यों डाले भाई, मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ पे हमने सब बनवाया है, हमने एक्सरे का भी चार्ज किया तो हमें मेडिकल दवा नहीं मिलना चाहिए, हमने दवा दी नहीं है, हम कहाँ से खरीदे, हम खरीद सकते हैं गरीब लोग कहाँ से खरीदेंगे, टाइमिंग है सैटरडे संडे आप तो उसमें भी बैठेंगे, बैठना चाहिए, एक उनको मेडिकल का जो है काउंटर हमेशा खोलना चाहिए, जहाँ पे सब इमरजेंसी वालों के लिए तो खोलना चाहिए, बाकियों को टाइम किसी को नहीं पता, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं टाइम नहीं पता होता, आगे पीछे हो जाते हैं, तुमने मेरी लाइन वहाँ पे लगवा दी, इतनी देर हमारा एक्सरे में हो गया तो फिर मैं तो उठ गए टाइम से, तुम्हें मालूम इतने लोग का एक्सरे होना, इनको दवा तो हमें देना चाहिए, इतने लोग तुमने हमसे चार्ज किया है तो उनको दवा तो देना चाहिए, इतने आपने पर्चे बनवा लिए, तुम्हें अपने
जरूरत थी, इतने पर्चे कट गए, हर जगह रिकॉर्ड हो गया, तुम्हें दवा क्यों नहीं दी? गाइस बताओ सही है क्या नहीं है, बताओ गलत नहीं बोल रहे हैं, दवा तो देना चाहिए। अब हम दोबारा जाएंगे दवा लेने मंडे को, ब्लॉग तो बना ही लिया।